तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा बिजी था, दूसरे प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन ही था जिसको अब पब्लिश करना था प्ले स्टोर पर, ठीक है। मतलब कि स्टार्ट से ही सब कुछ स्क्रैच से बनाना था और उसको प्ले कंसोल में डाल देना था, सब कुछ करना था, इसीलिए थोड़ा सा उसमें डिले हुआ, ठीक है। उसके लिए सॉरी फिर से बोलूँगा। और इस वीडियो में बात करूँगा कि क्या आप लोग ECPM को विड्रॉ कर सकते हो क्या, ठीक है। बहुत यूज़र का मुझसे सवाल आ रहा था कि भाई ECPM मेरा इतना हो गया, क्योंकि ECPM हाई रहता है। अगर आप लोग देख रहे हो, सेल्फ फंडिंग करते हो, तो आपको मालूम होगा कि अगर आप लोग VPN यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो ECPM है वो हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू का, ठीक है। तो आप लोग ECPM को चाहते हो कि उसको ही विड्रॉ कर ले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, ECPM एक तरह का आपको एनालिटिक्स है, वो शो करता है कि आपको 1000 इंप्रेशन, 1000 डाउनलोड, 1000 क्लिक पे कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ECPM को आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आप लोग सिर्फ विड्रॉ कर सकते हो अपना रेवेन्यू को, ठीक है। रेवेन्यू को जितना आपने $10 किया, $10 पे तो नहीं होगा, लेकिन वो जब $100 होगा तभी पे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। $10 पे वो आपका पेमेंट रिलीज नहीं होता है, ठीक है। $10 आपने अर्निंग किया, लेकिन जब तक 100 नहीं होगा तब तक आप लोग उसको बैंक में या फिर पेपाल में नहीं ले पाओगे, ठीक है। यूनिटी का 60 डेज का रहता है थ्रेशोल्ड, वो कम्प्लीट करना रहता है। उसके साथ साथ आपको अपना बैंक का डिटेल्स डालना पड़ता है, ठीक है। अकाउंट नंबर, MICR कोड या फिर स्विफ्ट कोड एक और डालना पड़ता है, वो सब आप अपने ब्रांच मैनेजर से पूछ सकते हो। बैंक अकाउंट में जाइए, अपने बैंक ब्रांच में जाइए, ठीक है, और वहाँ ब्रांच मैनेजर से, या फिर वहीं पे लिखा रहता है MICR नंबर और स्विफ्ट कोड सब लिखा रहता है, स्विफ्ट BIC लिखा रहता है, तो उसको आप लोग देख के डाल सकते हो। साथ साथ इसमें बहुत लोग को दिक्कत आता है टैक्स पेओड फिल करने में भी, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे फिल करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।